हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पास सेवन एस्थेटिक। गाइस, आज पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज हम एक ऐसे 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे कि जिस किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है वो उनका हेयर फॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, या जिनका जेनेटिकली हेयर फॉल होता है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। तो गाइस, पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो वेलकम बैक। तो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा हेयर फॉल। गाइस, हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है, खास करके टीनेजर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल की स्ट्रेसफुल वाली लाइफ में। जो हम जंक फूड का कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा हेयर फॉल होता है। तो अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो हेयर फॉल हम लोग नोटिस करते हैं वो होता है आजकल के ज़माने में टीनेजर्स में। और टीनेजर्स में हेयर फॉल इस प्रॉब्लम की वजह से होता है कि जो टीनेजर्स में हमारी जो स्ट्रेसफुल वाली लाइफ होती है, जिसके वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं। तो अब इसको हम हेयर फॉल को कैसे रोकें? आप अगर मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको गारंटी बताते हैं कि हेयर फॉल आपका इससे कम होगा, उससे कम होगा। बट गाइस, सो मेन बात है, आपको कोई भी प्रोडक्ट्स आपका हेयर फॉल कम नहीं होने वाला है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स एक बार ब्रेक हो गए, वहाँ से चले गए आपके स्कैल्प से, तो आप भले कौन सा भी प्रोडक्ट लगाइए वो वापस आपके नहीं आने वाले। तो बट हम क्या करें फिर भी? जो एकदम जिनके बाल एकदम उड़ गए हैं वो कैसे अपने बाल वापस ला सके? अगर वो तो गाइस एकदम पॉसिबल इतना नहीं है, बट अगर आप अर्ली स्टेज में हो, आपके अगर बॉल्डनेस स्टार्ट हो गई है, उसको हम फिर भी एक सर्टन लिमिट तक उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए जो हम सबसे 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो ओल्ड एज में बहुत किया जाता था, जो पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो किया जाता था, वो अगर हम जो यूज़ करें आज के टाइम में, तो हमारा जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और जिनके जेनेटिकली हेयर अगर बॉल्डनेस है आपके अगर फादर में, उनके ग्रैंडफादर में, या आपके मॉम के साइड के यहाँ पर जिनके हेयर फॉल्स है जेनेटिकली, तो आपका जो हेयर फॉल का ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ऐसे कौन से 3 चीज़ें जो आपको यूज़ करने चाहिए? और गाइस, अगर आप ये 3 ट्रिक्स यूज़ करोगे हेयर फॉल रोकने के लिए, तो गारंटी आपके हेयर फॉल का जो ड्यूरेशन रहेगा जेनेटिकली वो कम हो जाएगा। और जिनके जेनेटिकली बाल अच्छे हैं और स्ट्रेसफुल वाली लाइफ के या जंक फूड खाने के कंजम्पशन से जिनका हेयर फॉल होता है वो हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये 3 इम्पॉर्टेंट थिंग कर रहे हैं पर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर रहे, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, आपका शॉर्ट टेम्पर है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है जल्दी से, तो आपका हेयर फॉल होगा। और अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते तो भी आपका हेयर फॉल होगा। तो गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए और ये 3 टिप्स को फॉलो कीजिए। तो कौन से 3 टिप्स? सबसे पहला टिप है आपका, आप बालों को ऑयलिंग ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ऑयलिंग नहीं, और किसी किसी को ऑयलिंग करने से बाल चिपचिपे होते हैं। पर गाइस, आपको ये बात याद रखना होगा, बाल आपके चिपचिपे होंगे बट अगर आप ऑयलिंग ही नहीं करोगे तो आपके जो बाल चिपचिपे होते हैं वो आपके बाल ही चले जाएंगे। फिर आप कितना भी ऑयलिंग कीजिए आपके बाल वापस नहीं आने वाले। तो मेन आपको ये है कि आप अगर पहले के टाइम में देखोगे, हमारे जो एंसिस्टर थे, हमारे माँ बाप थे, वो रोज़ ऑयलिंग करते थे अपने हेयर को। अगर आप ऑयलिंग ऐसा समझ लीजिए, अगर आप अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो तभी आपकी बॉडी एंड आगे फर्दर आपको हेल्प करेगी, अच्छे से बॉडी फंक्शन करेगी। सेम हमारे हेयर्स को भी ऑयलिंग की ज़रूरत है। आप कोई आर्टिफिशियल ऑयल यूज़ करोगे तो उससे आपके बाल डैमेज होंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। पर अगर हम नेचुरल बात करें तो नेचुरल ऑयल कौन सा आता है? आप जो कोकोनट ऑयल है, फिर आप सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हो। इससे आपके जो बाल के फॉलिक्यूल्स है, जो आपके ब्रेक होना स्टार्ट हुए वो कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को, आपके स्कैल्प को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और डायरेक्ट आपके हेड में जाएगा। और आपको याद रखना है कि आप जब ऑयलिंग करो तो आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हेयर्स तक ब्लड ही नहीं पहुँच रहा तो आपने दिन भर में जो न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया है वो आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके बॉडी में ट्रैवल होता है। तो जब आपके बॉडी में आपका जो खाना खाया है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके ब्लड के थ्रू आपके स्कैल्प में जाना चाहिए, तब भी आपके फॉलिकल स्ट्रांग होंगे, बाल का ब्रेकेज नहीं होगा। तो गाइस, आप रोज़ ऑयलिंग कीजिए सर पे और बाल को ऑयलिंग कीजिए आप, तब भी जाके आपके बाल झड़ना कम होंगे। अब अगर हम बात करें दूसरे टिप की, वो है एक आयुर्वेदिक टिप है, एक योगा हम कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं बालायाम। गाइस, आपने बालायाम बहुत सुना होगा, आपके पैर, आपने दादियों को देखा रहेंगे, आपके नाना दादी को वो बालायाम करते हैं।
आप अगर सिंपल व्यायाम की बात करूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो हाथ है आपके नेल्स को ऐसे एक दूसरे के तरफ सिंपली ऐसे रब करना है। इससे क्या होगा, जब आप अपने नेल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करोगे तो ये एक एनर्जी जनरेट करेगा जिससे आपके हाथों के वाइब्रेशन होंगे और वो वाइब्रेशन आपका जो ब्लड है वो आपके स्कैल्प में पहुंचाएगा। और हम आप मैंने आपको जैसे बताया स्कैल्प में आपके ब्लड पहुंचेगा तो आपके न्यूट्रिएंट्स वहां पे पहुंचेंगे, आपके स्कैल्प में एक अच्छा सा वार्मनेस होगा, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, उसके वजह से आपके जो बालों की जड़ है वो ओपन होगी और जो एक टूटे आपके जो बाल है वहाँ पर उसको ग्रो होने का मौका मिलेगा वहाँ पर, तो जो आपके टूटे हुए बाल है वो भी वापस आना स्टार्ट करेंगे। आप ये गाइस हफ्ते में आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, इसे रोज़ ट्राई कीजिए एंड आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। रोज़ आप चाहे तो 10 मिनट इसे ऐसे सिंपली हाथ में ऐसे रब कीजिए, 10 मिनट्स आप डेली करोगे, आपको विद इन अ मंथ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि बालायाम कितना अच्छा एज ए योगा है। तो इसके थ्रू आप है ना आपके जो बाल चले गए उसको भी वापस ला सकते हैं। बट गाइस आप इसमें नेल्स को रफ मत कीजिए, इस तरह से रफ मत कीजिए, नहीं तो आपके बाल तो आएंगे सर पे लेकिन साथ ही साथ आपके कान के बाल भी निकल आएंगे। जब आप इस तरह से रफ करते हो आपके कान के बाल आते हैं यहाँ पे, अगर किसी को कान के बाल बड़े करने तो इस तरह रफ कर सकता है, पर किसी को अगर सर के बाल बड़े करने टूटे हुए तो ऐसे रफ कीजिए। बट हाँ, जिसको अगर कान के बाल नहीं चाहिए तो ऐसे मत करना, ऐसे करना वरना इस तरह से कान के बाल आ जाएंगे आपके, उगने लगेंगे। तो ये हो गई हमारे सेकेंड टिप। पर जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो जो इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका न्यूट्रिशन। अब अगर बालों की बात करें, बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स की कंजम्पशन भी चाहिए रहते हैं। अगर आपका डाइट बहुत जंक है, आप रोज़ बाहर का खाना खाते हो, आप रोज़ अगर बाहर तो ऑयली खाना खाते हो, रोज़ अगर वड़ा पाव समोसा स्ट्रीट फूड डोमिनोज का ये सब खाओगे तो गाइस एट अ सर्टेन पॉइंट आपके बाल झड़ने हैं। आपके बाल के भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम स्ट्रीट फूड का खाना खाएं और हमारे बाल हेल्दी हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको। साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट बात है आपके सर पे जो यूवी रेज नहीं आने चाहिए, जो हम हार्ड बाहर निकलते समर्स के टाइम पे, तो आप सर पे कैप पहन लीजिए ताकि आपके जो स्कैल्प पे यूवी रेज ना पड़े और आपके बाल ना झड़े। तो इसी तरह से आप चाहे तो अपने बाल को इन थ्री सिंपल थिंग्स से अपने जो हेयर फॉल हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसे ये तीनों टिप्स को फॉलो कीजिए और आई एम डैम श्योर आपके बाल जो झड़ गए हैं या जो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दूँ, सबसे पहला टिप है आप अपने बाल को कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल से ऑयलिंग कीजिए रोज डेली, और सेकेंड टिप आप बालायाम को कीजिए रोज 5 to 10 मिनट्स कीजिए, और थर्ड अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे कीजिए। अगर आप ये तीन सिंपल सिंपल ट्रिक्स करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके नए बाल की ग्रोथ होगी। तो आप इसे ट्राई कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स कीजिए कि आपके ऊपर आपको कैसा इफेक्ट आया। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, खास करके उन दोस्तों को जिनके बाल पहले से ही चले गए हो और जिनको हेयर फॉल होने की बहुत प्रॉब्लम है उनको वीडियो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिले। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।